नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना है और उसी का तुम्हें आप लोग सॉरी मैं कल के लिए मैंने 18th फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने जो बाइसेल लेवल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर बाइसेल लेवल का व्यू देता हूँ। तीनों बाइसेल लेवल देता हूँ। इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एनआर 100 डे ईएमए स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आप लोग को दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोग को मिल इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा और इसका इसमें व्हाट्सएप में ग्रुप में जॉइन होने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप मेरा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इस कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज़ किया जा सकता है वो भी, और इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख सकता है। तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है आप लोग को पता चल जाएगा और ये सब लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, क्या क्या है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ, इसमें मैंने फिबोनाची लेवल लगाया है। तो देखिए इधर का जितना दूर तक ऊपर गया था उसका 38% का नीचे 38% भी नहीं पाया अभी तक। तो इसमें 38% के ऊपर ही ये फिर से रिट्रेस हुआ है, 38% नीचे आने का कोशिश किया लेकिन 38% में इसका सपोर्ट आएगा। मॉडल ऑफ इसका इंडेक्स का जो सपोर्ट आएगा 12,000 के आसपास इंडेक्स का सपोर्ट आएगा। उसके बाद ये 12,917 तक आ सकता है, उसके बाद ये 12,800 तक आ सकता है। तो चार्ट का जो चार्ट में सेटअप अभी तक पॉजिटिव है। तो लास्ट मोमेंट में कुछ नीचे आने का कोशिश किया था लेकिन फिर से ये 12,000 ये ऊपर ओके रिट्रेस होके क्लोज दिया। तो देखना पड़ेगा कि कल ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो जाने का प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसका 12,160 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 12,290 में मिलेगा, उसके बाद 300 को जब क्रॉस करेगा 12,300 के ऊपर जा सकता है, 12,330-350 तक जा सकता है। और निफ्टी बैंक को देखते हैं, निफ्टी बैंक देखिए इधर 50% आके इधर क्लोज दिया है। 50% में ये जो जितना ऊपर गया था उसका 50% नीचे आके, मतलब 50% रिट्रेस होकर ये क्लोजिंग हुआ। 50% में सपोर्ट लिया है, कल 38% के ऊपर सपोर्ट लिया था, आज 50% में सपोर्ट लिया है। इधर नेक्स्ट सपोर्ट हुआ है इसका 30,400 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद 30,100, उसके बाद 29,600 तक ये आ सकता है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन 250 इसका पॉजिटिव मतलब दिखा रहा है अपसाइड में। तो इसको भी लगता है कि ये रिट्रेस होके ऊपर ही जाएगा। और इधर थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे साइड में दिखा रहा है, तो देखना पड़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी जो एक साथ ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी की ज़्यादा और भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, या निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अनसर्टेंटी है, साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो अपसाइड में थोड़ा सा जाने का कोशिश करेगा। और इधर फ्यूचर में देखूँगा तो देखिए निफ्टी अभी तक ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल में ही रह गया। इसका जब नीचे आएगा तो इसको नीचे आने के लिए 11,000-12,000 के नीचे आना पड़ेगा, 11,996, इसके बाद ही ये 12,920, इसके बाद ही ये नीचे का प्रोफाइल में आ सकता है। और बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर का ये अभी एक और भी इधर
ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इधर एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल छोड़ के ये इधर एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना है, तो इसका ये नीचे आने का कोशिश 30,700, इसके बाद 30,600 तक आने के बाद ही इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, मतलब नीचे का ट्रेंड सेल जोन में आ सकता है। तो इसमें आप लोग को मतलब देखना पड़ेगा, से लेवल में देखना पड़ेगा कौन सा लेवल पे है, उसके बाद हिसाब से ट्रेड करना है। तो मैंने और भी एक चार्ट दिखाता हूँ जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में व्यू में है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। इधर मैंने देखिए निफ्टी थोड़ा सा ये जो इधर फिबोनाची लेवल, बाईस जोन लेवल सभी लगा हुआ है। आप लोग इधर इतना लेखा दिख रहा है क्योंकि ये मैंने डेली चार्ट में दिखाता हूँ, 15 मिनट चार्ट में, और भी थोड़ा सा ऊपर जाके ये रेड कवरिंग हुआ है। रेड कवरिंग होने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं इधर रेड कवर, उसके बाद बैंक निफ्टी का ऊपर दिख रहा है, और लेकिन थोड़ा सा बाई जोन से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ये फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल में आया है, लेकिन अभी तक पूरा नीचे नहीं किया जा सकता। रदर ये सपोर्ट लिया है इधर इस तरफ, इधर आप देख सकते हैं इधर से ये सपोर्ट लिया है, सपोर्ट में ये क्लोज हुआ है। और इधर निफ्टी का मैंने दिखाता हूँ आप लोग को, निफ्टी में देखिए इधर बाई जोन में ही है, ये बाई जोन में ही दिखाता है, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये बाई जोन में ही दिखाता है। और ये जो अगला दिन का लो का ऊपर, मतलब जो लो है उसका ऊपर है, ये जो ब्लैक वाला लाइन है अगला दिन का, ये हाई लोस दिखाता है, तो ये इसका ऊपर ही ये क्लोज हुआ है। तो मतलब ये अगला दिन का जो पिवट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा जाने का कोशिश करेगा, तो देखना पड़ेगा कि ये। और मैंने इसको 15 मिनट में लगाऊंगा तो और भी पिक्चर क्लियर दिखाएगा। एक्चुअली इसमें डेली चार्ट में लगाया तो इसीलिए इतना इतना दिखा रहा है, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए इधर जो इसमें थोड़ा सा इसका बाई का जोन में ही है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया है इस जोन में, जब क्रॉस करेगा 12,114, इसके बाद 12,220 तक ये आ सकता है, आसपास आने का कोशिश करेगा, लेकिन ये अभी तक ऊपर ही दिखा रहा है। अच्छा, और मैंने ऑप्शन चेन दिखाऊंगा आप लोग को, ऑप्शन चेन में क्या दिखाता है उसके हम देखिए। ऑप्शन चेन में ये निफ्टी का चार्ट है, ये पीसीआर रेशियो 0.52 हो गया है, तो इसका अभी कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का मतलब रिवर्सल होने का टाइम हो गया इसका दिखा रहा है। और 12,100 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर सबसे ज़्यादा कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और आई भी बढ़ गया है, 16 हो गया, कल 11 था, ये 16 के ऊपर हो गया आई भी, और पीसीआर रेशियो गिर चुका है, और इधर 11,900 में सपोर्ट बना है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर शॉर्टिंग सपोर्ट में शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन उसका थोड़ा नीचे का वाला दो लेवल में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है पुट साइड में, लेकिन जो सपोर्ट का लेवल है उसमें ये शॉर्टिंग ही हुआ हो रहा है, शॉर्टिंग शुरू हुआ है, तो लगता है ये कॉन्ट्रैक्टर लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी का देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी का देखिए पीसीआर रेशियो जो है वो 0.46 हो गया है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्टेड लेने का भाई प्रोबेबिलिटी है। इधर 31,000 में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, सबसे ज़्यादा कॉल साइड में सबसे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर आई भी बहुत ही बढ़ गया है कॉल साइड में, और पीसीआर रेशियो गिरा है, लेकिन आई भी बहुत बढ़ा है, और इधर पुट साइड में इधर 30,500 में इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन इधर अप साइड में इधर शॉर्टिंग होना शुरू हो गया, तो देखना पड़ेगा मेरा जो ख्याल है। तो इधर थोड़ा सा अनसर्टेंटी है कि नीचे आएगा कि अब थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेंटी है, एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, लेकिन तो और भी थोड़ा सा नीचे आके ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर लेगा, मतलब ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी जो दिखा रहा है जो 3 दिन का इस एक्सपायरी का डेस्क के हिसाब से 11,900 और 12,100 में इसका जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है, और
मैग्नेटी में थोड़ा सा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन सा विन हो सकता है। मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी ये पुल अप कर सकता है, नहीं तो ये